मैं और मेरे सारे सैनिक चारों ओर से सतर्क हैं। आप निश्चिंत होकर कुलदेवी के दर्शन कीजिए महाराज। पर इस जगह की शांति को देखकर अभी तक तो वृक्षासुर के अतिक्रमण का आभास नहीं हो रहा है। जी महाराज। पुत्र, देवी को प्रणाम करो। जाने नहीं दूंगा। आज अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। बदला भी लूंगा और तीसरी पुत्र के कोमल कोमल पास के भक्षण का आनंद भी लूंगा। मारुति अंततः सुमेरु और शंब साधन वन के सीमा के घेरे के निकट पहुंच जाता है। We'll be right back.
ये क्या प्रभु, मारुति तो घात लगाकर बैठे वृक्षासुर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, समझ नहीं पा रही हूँ। ये भ्रम है। आज तक जिसने सदा दूसरों के संकट हरे हो, उस संकट मोचन मारुति को कोई दुराचारी कैसे अपने चंगुल में ले सकता है भला? श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कथा सुनाऊंगा, परशुराम की कथा सुनाऊंगा, भगवान परशुराम की कथा सुनाऊंगा, परशुराम परशुराम परशुराम। ये अत्यंत ही अद्भुत कथा परशुराम की। ऐसे कैसे संभव हुआ, कैसे निकल गया हाथ से? किंतु कथा सुनाने से पूर्व मुझे बताओ कि भगवान श्री विष्णु का त्रियाक्षरी मंत्र किस किस को स्मरण है? सुषेण तुम कहो। हरि ओम। उत्तम, अति उत्तम। अब बताओ भगवान श्री विष्णु का अष्टाक्षरी मंत्र किस किस को स्मरण है? नल तुम कहो। ओम नमो नारायणा। उत्तम, अति उत्तम। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनं माणिक्य मौलि स्फुरत तारा नायक शेखरं स्मित मुखी मापी नभक्षोरुहां पाणिभ्यामलि पूर्णरत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं पुत्र मारुति, आओ तुम भी। महाराज, मारुति कहीं दिख नहीं रहा। अरे यही तो थे। अब बताओ भगवान श्री विष्णु का द्वादशाक्षरी मंत्र किसे स्मरण है? नील तुम कहो। ओम नमो भग 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 भग। मारुति 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 मारुति। ओ ओम न भग 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 भग। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज का कुछ पता चला? नहीं महारानी। मारुति, मंत्री जी मारुति कहाँ है? मारुति तो अभी तक यहीं थे। ओम नमो वासुदेवाय नमः। किसने भगवान श्री विष्णु का संपूर्ण द्वादशाक्षरी मंत्र सुनाया? मेरे सम्मुख आओ। हृदयनाथ, द्वादशाक्षरी मंत्र तो मारुति ने देवी सरस्वती के मुख से गर्भ अवस्था के समय ही सुन लिया था और वह मंत्र मारुति को पूरा पूरा स्मरण था। केवल मारुति ही नहीं, गर्भावस्था के समय साधारण से साधारण शिशु भी अपने माता के व्यवहार में लाए गए हर कार्य को सुनता समझता है और अपने स्वभाव में धारण करता है। यह सत्य है। शिशु के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर माता को भी अपना व्यवहार सदा अच्छा रखना चाहिए। माँ यदि चाहे तो गर्भावस्था में ही अपने शिशु का भविष्य रच सकती है। मारुति जैसे बुद्धिमान व पराक्रमी संतान को पाकर अंजना और केसरी ने अवश्य ही सौभाग्यशाली होने का गौरव प्राप्त किया है। निस्संदेह मारुति जैसे पुत्र को पाना किसी भी माता पिता के लिए सौभाग्य की ही तो बात है। पकड़ता, रुको। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। नन्हे युवराज मारुति, आपका भी हार्दिक स्वागत। मुझे प्रसन्नता है कि युवराज मारुति ने पाठशाला में आते ही अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। बिना शिक्षा प्रारंभ किए ही इन्हें जो मंत्र ज्ञात है वो हमारी कक्षा के किसी भी विद्यार्थी को स्मरण नहीं था। ये अवश्य ही युवराज के उज्ज्वल भविष्य के लक्षण है। मेरा शुभाशीष सदैव युवराज के साथ, तुम्हारा कल्याण हो। मां, ये पाठशाला क्या होती है? पाठशाला विद्या का मंदिर होता है जहाँ शिक्षा और ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। आचार्य जी, मुझे वो उद्दंड नील अपनी पूंछ से मार रहा है। नील, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी पूंछ तो देखो। महाराज, राज्य की सीमा पर स्थिति तो अभी शांत है पर सामान्य नहीं। कुछ ना कुछ तो है जो संदेह उत्पन्न कर रहा है। यहां तो सब ठीक है ना? मुझे तो संदेह है महाराज।
आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए, हमें प्रसन्नता होगी। सुरक्षावश यदि आप बच्चों की पाठशाला की कक्षा राजभवन की वाटिका में लगाएं और वहीं पाठ पढ़ाने की कृपा करें तो ये राज्य की सुरक्षा के हित में रहेगा। ऐसा ही होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही विद्यार्थियों की पाठशाला की कक्षा राजभवन की वाटिका में लगी। प्रणाम ऋषिवर। मैं वानर पुत्र कर्मादन हूँ, मेरे पास भी पूंछ है और निसंदेह तुम्हारी पूंछ से लंबी है। वह भाई क्या बात है, तुम्हारी पूंछ तो तुम्हारा ही सारा कहा मानती है। वह वानर ही क्या जिसकी पूंछ उसके वश में ना रहे। बालक मन की दुविधा जितनी सरल होती है उसका उत्तर ढूंढना उतना ही अधिक कठिन होता है। मारुति के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था, उनका मन अब व्याकुल था। एक बार तो आजा, बस एक बार मेरे जंगल में। हमारी संतान ही हमारा भविष्य है। मंत्री जी, पाठशाला के बालकों के लिए शीघ्र ही भवन के प्रांगण में एक सुरक्षित व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। विपरीत परिस्थिति में हमें सतर्क रहना होगा और सुरक्षित भी। मैं शीघ्र ही अपनी देखरेख में सारी व्यवस्था करवाता हूं, आप निश्चिंत रहिए महाराज। यदि एक बार भी आया तो तेरे कोमल कोमल मांस को चबाकर ही मुझे संतोष मिलेगा। प्राण वल्लभ, कौन थे वे साधारण वानर बालक जिन्हें केसरी वृक्षासुर की पहुंच से दूर रखने का प्रयास कर रहे थे? हाँ प्रिय, वो सभी वानर बालक साधारण नहीं थे, वो तो भिन्न भिन्न देवताओं के अंश थे जो मेरी ही आज्ञा से उन्हीं देवताओं के द्वारा पृथ्वी लोक पर भेजे गए थे। देवताओं के अंश, आपकी आज्ञा से? ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी प्रभु? हाँ प्रिय, आवश्यकता तो आ ही पड़ी थी,
बात उस समय की है जब अत्याचारी रावण के आतंक से दुखी और त्रस्त होकर ब्रह्मदेव के साथ सभी देवता यक्ष गंधर्व और भूदेवी वैकुंठ लोक में मेरे नारायण स्वरूप से मिलने आए थे। तब मैंने ही उन देवताओं को अपने रामावतार के समय अपने अपने अंश को पृथ्वी लोक पर भेजने की आज्ञा दी थी। हे प्रभु, क्या उस आतताई से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी? आप निराश न हो ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब जब गौ माता विप्रजन संत समुदाय और देवताओं पर विपत्ति आएगी, जब जब अविश्वास अनाचार और अधर्म की वृद्धि होगी और धर्म की हानि होगी, जब भक्त मेरा उपहास करेंगे, मेरी भक्ति को अंधविश्वास समझेंगे, तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यज्ञ की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा। अहंकार सदैव पतन का कारण होता है, रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा, क्योंकि शीघ्र ही मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर दुराचारी रावण का वध कर दूंगा। हे पुरुषोत्तम, हमें क्या करना होगा? आदेश दीजिए प्रभु। आप सब भी पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से वानर कुल और ऋक्ष कुल में अवतार लीजिए। समय आने पर रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध में मैं आपकी सहायता लूंगा। मेरा ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा। अच्छा नाथ, उन देवताओं ने किस किस रूप में अपने अंश को पृथ्वी पर भेजा? प्रिय, राम कार्य में सहायता के लिए ब्रह्मदेव के पुत्र प्रिय जामवंती के पिता और मेरे ससुर ऋक्षराज जाममान तो पहले से ही पृथ्वी पर उपस्थित थे, और महादेव शिव ने भी अपने अंश को अंजनी पुत्र मारुति के रूप में इस धरती पर भेजकर हम सबको धन्य कर दिया था। हम सबको ये जानना आवश्यक है, और इनके अलावा पृथ्वी लोक पर देवताओं के दिव्य और सुंदर अंश के रूप में अग्नि देव से नील, विश्वकर्मा से नल, धन कुबेर से गंधमादन, चंद्रदेव से दधिमुख, वरुण से सुषेण, और सुषेण को धनवंतरी जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, और ऋक्षराज को वरदान में मिले दो पुत्रों में से सुग्रीव सूर्यदेव का अंश था और वाली इंद्रदेव का। मेरे महादेव भोलेनाथ के अंश मारुति इन सभी देवांश वानरों में से सबसे अधिक ज्ञानी, महाबली, श्रेष्ठ और मेरे प्रिय भक्त, और यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे मनमोहक और मेरा सबसे प्रिय राम भक्त मारुति धरती के मायावी चक्र में उलझे सारे प्राणियों को हर क्षण अपनी बाल लीलाओं से मोहित और आनंदित कर रहे थे। और विक्षासुर मारुति को जकड़ने हेतु व्याग्र हो रहा था। परंतु मारुति तो अभी अपनी पूंछ को लेकर चिंतित थे।
उनकी पूछ तो देखो, उनकी पूछ तो बड़े काम की है। नहीं दिखती। हो सकता है जब मैं पिताजी की तरह बड़ा और बलवान बनूंगा तब मेरी पूंछ भी बड़ी हो जाएगी। पर आश्रम में तो वानर अभी बालक थे और उनकी पूंछ भी थी। किंतु मेरी क्यों नहीं दिखाई देती? हे हृदयनाथ, पाठशाला जाने से पूर्व भी तो मारुति ने अपने आसपास किसी की पूंछ देखी होगी। प्रतिक्रिया उनकी तब क्यों नहीं हुई? स्मरण कीजिए देवी, आप भूल रही हैं कि मारुति अभी कुछ ही दिनों के थे, किंतु दिखते थे 5 वर्ष के, और इससे पहले वो किसी बालक से मिले भी नहीं थे। इसीलिए जब पाठशाला में पहली बार उनकी दृष्टि अन्य बालकों की पूंछ पर पड़ी तो उनका ध्यान अपनी पूंछ पर चला गया। किंतु अन्य बालकों की पूंछ दिखाई देने से यदि उनकी समस्या का समाधान हो जाता तो बात ही क्या थी। उनका चंचल बाल मन स्वयं ही प्रश्न करता और स्वयं ही उत्तर देता। इसी प्रकार प्रश्न और उत्तर के चक्र में उलझकर वो पुनः प्रश्न करने लगे। समझ गया, अवश्य पाठशाला जाने पर ही पूछ मिलेगी। मैं भी पाठशाला जाऊंगा, मुझे भी पूछ मिलेगी। किंतु मैं तो पाठशाला जाता ही नहीं, इसीलिए मेरी पूछ नहीं दिखती। अरे ये किसकी पूंछ है? पर ये छाया तो मेरी है। ये पूंछ मेरी परछाई के साथ चिपक कर क्यों चल रही है?
कोई मेरे साथ चालाकी कर रहा है। हाँ? यहाँ तो दिखाई दे रही है, पर घूमकर देख रहा हूँ तो नहीं दिख रही है। कैसे हो सकता है ये? ये कोई चमत्कार तो नहीं है। वहाँ दिखाई देती है और यहाँ नहीं दिखाई देती। सीधा रहता हूँ तो दिखती है, घूमकर देखता हूँ तो नहीं दिखती। समझ गया, पूंछ अभी छोटी है ना, इसलिए मेरी बात नहीं समझ पा रही। अरे पूंछ तो छुप गई, कभी आती है कभी छुप जाती है। अवश्य कोई मेरे साथ नाटक कर रहा है। कौन मेरे साथ नाटक कर रहा है? किसने मेरी पूंछ को छुपाया? बालक जानकर ही कोई नाटक कर रहा है मुझसे। पीछे दोनों ही दिख रहे हैं, अभी पूछ का सच सामने आ जाएगा, फिर मुझे कौन छल पाएगा? वो अभी मैं देखता हूँ। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय। अरे मेरी पूछ तो मुझसे ही जुड़ी हुई है, अब तक जो मैं देख नहीं पा रहा था मेरी पूछ मुझसे जुड़ी हुई थी। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूमि। समझ गए, अभी तुम कहीं पे छुपना मत, ये मेरा आदेश है और मेरा आदेश तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि तुम मारुति की पूंछ हो। क्या तुम सच में मेरी पूंछ हो? अरे तुम तो सुन भी रही हो और समझ भी रही हो। अच्छा तुम्हें तो बोलना भी आता है और तुम लंबी भी हो और सुंदर भी, वो तो होना ही है क्योंकि तुम मारुति की पूंछ हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब मैं भी तुमसे अपने सारे काम करवाऊंगा, जैसे सभी अपनी अपनी पूंछ से अपना काम करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा, मानना ही होगा, जैसे सबकी पूंछ उनका कहना मानती है। समझ गए? समझ गए ना, अब से मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरी पूंछ। अरे ये तो मना कर रही है। वह वानर ही क्या जिसकी पूंछ उसके वश में ना रहे। हाँ
कार्य करवाता हूँ। करो। अरे शीघ्र ही। अरे मैं कोई छिछोली नहीं कर रहा हूँ। चलो अभी आवरण को ठीक करो। चलो तुम अपने स्वामी का कहना नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? अवश्य तुम्हें अभी कार्य करने का अभ्यास नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब तो तुम मेरा कहना मानोगी। चलो अब इस आवरण को ठीक करो। मैंने अभी तो तुम्हें अभ्यास करवाया, तो तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती? क्या मैं अभी छोटा बालक हूँ इसीलिए? चलो मैं अभी तुम्हें किसी बड़े की पूंछ से मिलवाता हूँ, तो ही तुम्हें समझ में आएगा और तब तुम मुझसे हट नहीं करना। चलो। अरे वाह, इसकी पूंछ तो कितना काम करती है, पर मेरी पूंछ तो मुझसे हट करती है। तुम कहाँ गई? सुनो तो, मेरी पूंछ और मेरे साथ ही ऐसा, ये ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। कहना मान रही है और इतने कठिन कठिन कार्य कर रही है। तुमने देखा ना उन्होंने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही करना। इस पुष्प पात्र में से मुझे एक पुष्प निकाल कर दो। काम सीखने के बाद ना नहीं कह सकते तुम। चलो निकालो फूल। शीघ्र करो। अरे मैंने तो एक पुष्प उठाने को कहा था, पूरा पुष्प पात्र उठाने को नहीं कहा था। छोड़ो छोड़ो ना। अरे कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। अरे ये क्या कर दिया, पूरा पुष्प पात्र ही तोड़ दिया। अब मुझे माँ की डांट अवश्य सुननी पड़ेगी। माँ अब क्या करूं? Thank you.
वाह, थक गई? बिना काम किए थक गई? तुम्हें पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। ये कोई हंसी का समय नहीं है। अरे रे, कहाँ जा रहे हो केसरी नंदन? ये दूध कौन पिएगा? इस कक्ष की ऐसी दयनीय दशा किसने की? ऐसा क्या भूचाल आया है? अब बताओ, क्या मैं बता दूं तुम्हारा नाम माँ को? माँ, ये मारुति ने किया है। मारुति ने किया? पर क्यों? माँ, आपके पुत्र को उसकी पूंछ मिल गई, इसीलिए वो आज बहुत प्रसन्न है। और उसकी प्रसन्नता देखकर आप भी प्रसन्न होंगी ना माँ? नहीं। तनिक भी प्रसन्न नहीं। माँ की प्रसन्नता अवश्य ही पुत्र की प्रसन्नता में छुपी होती, किंतु ऐसा पुत्र जो सुशील हो, सरल और आज्ञाकारी हो, किंतु माँ मैं तो आपका पुत्र हूँ ना? देखो देखो, क्या मैं सुशील, सरल और ज्ञानी नहीं हूँ? क्या देखूं? यदि तुम सुशील, सरल और ज्ञानी होते तो इस कक्ष की ऐसी दशा निश्चित ही नहीं बनाते। रुष्ट हो जाने से कोई बात नहीं बनेगी। अब जब तुम इस कक्ष को पुनः व्यवस्थित करोगे, तब तुम्हारी माँ अपने प्यारे पुत्र से बात क्या करना पड़ रहा है? और माँ कभी रुष्ट नहीं होती थी मुझसे, और देखो आज तुम्हारे कारण वो मुझसे रुष्ट हैं। जब तुम मुझे मिले थे इतना प्रसन्न हुआ था, और अब देखो कितना काम करना पड़ रहा है। माँ, अब तो आप मुझसे रुष्ट नहीं हो ना? देखो पूरा कक्ष व्यवस्थित हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब जल्दी से दूध पी लो। पता है ना, दूध पीने से मारुति बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अपने पिताश्री के समान धैर्यवान और बलवान बन जाएगा। सचमुच माँ? हाँ, लेकिन दूध पीने के बाद। माँ, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
फिर ही मैं दूध पीऊंगा। पहले दूध, उसके बाद आप जो भी प्रश्न पूछोगे मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगी। नहीं, पहले प्रश्न। नहीं मारुति, पहले दूध। पता है जो अच्छे बालक होते हैं ना, वो सदा अपनी माँ की बात सुनते हैं। और आप तो सबसे अच्छे बालक हो, है ना? माँ भी कभी कभी बालकों की तरह हट करती हैं। अरे रे, पूरा पियो। दूध बालक के मस्तिष्क और उसके शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है। संतान को सही दिशा और व्यवहारिकता बताने का धर्म माता पिता का ही होता है। जैसे किसी कोमल लता को सहारा देकर उसे दिशा देते हैं और वह आगे बढ़कर फलती फूलती है। समझ रहे हो ना? किसी भी बालक को अपने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा बाल्यावस्था में ही सीख लेनी चाहिए, तभी वह लंबी अवधि तक स्मरण रहती है और बालक के सारे रास्ते सरल हो जाते हैं और वो अपने जीवन के उच्च शिखर तक अवश्य पहुंचता है। समझ गए ना? चलो अब शीघ्रता से दूध पी लो। ऐसी मूंछ बन गई है तुम्हारे होठों पर। अच्छा माँ, मेरे होठों के ऊपर मूंछ है। किंतु माँ, आप ये बताओ मैं पाठशाला कब जाऊंगा? पाठशाला? पाठशाला तो आप तब जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे। अभी तो आप बहुत छोटे हो। पर माँ, आपने ही तो कहा कि मेरे होठों के ऊपर मूंछ है, तो अब मैं छोटा बालक कहाँ रहा? नटखटपन में तो नन्हे मारुति हमारे प्रभु से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे, इसीलिए अंजना और केसरी उन्हें अपनी सुरक्षा में रखते हुए और भी अधिक सतर्क थे। नटखट बालक, वो भी वानर और उससे भी अधिक अलौकिक शक्तियों का ज्ञाता। ऐसे में अंजना की दशा बड़ी विचित्र थी। वो अपने पुत्र की सुरक्षा में सतर्क तो थी ही, किंतु एक और विचित्र चिंता उसे मन ही मन में खाए जा रहे। पाठशाला गए बिना ये ना समझ कुछ सीखेगी कैसे? इसे तो पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें कौन सा पाठ दूं, किंतु तुम तो दिखती बड़ी हो पर तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बालक जैसी है। पूंछ की समस्या का समाधान ढूंढने मारुति पाठशाला चले गए। Oh.
प्रातः निद्रा से जागने के पश्चात और भू पर पैर रखने के पूर्व भू देवी से क्षमा मांगनी। क्षमा मांगने का मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्व मे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादं स्पर्शं क्षमस्वमेव। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्वमे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्वमे। यही मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, बेचैन है तू। अब मेरे मुंह में आकर ही चैन मिलेगा तुझे। आजा, आजा, शीघ्र आजा। केसरी पुत्र, तेरी भी यही दशा होने वाली है। तेरा पिता केसरी कितना भी यत्न कर ले, अब मेरी पकड़ से बच नहीं सकेगा। तुझे देखकर, तुझे खाने की, तुझे चबाकर निगलने की मेरी लालसा बढ़ती ही जा रही है। मारुति के नामकरण संस्कार से लौटने के पश्चात सुग्रीव के सम्मुख भी एक विचित्र व जटिल समस्या आ खड़ी हुई। चलो भैया, आज पुनः गदा अभ्यास हो जाए। गदा अभ्यास करना चाहता है मुझ महानतम के साथ? चाहता क्या है तू? क्षण भर में ढेर कर दूंगा तुझे। अभी गदा अभ्यास का आभास कराता हूं। तो बांध इसे अपने नेत्रों पर। तू भी क्या कहेगा, आज तेरी भी इच्छा
पूरी कर देता हूँ। हाँ हाँ भैया, आपके लिए तो कुछ भी। तैयार हो, किंतु सावधानी अवश्य रखना। मैं अपने प्रहार में कभी भी कंजूसी नहीं करता। हाँ हाँ भैया, तैयार हूँ। पर भैया, आज तो मैं ही जीतूंगा। क्यों? आज तुम्हारी सहायता वो माया भी करेगा क्या? वो मायावी मरकट जिसके दूत के दांत अभी टूटे नहीं, वो तुम्हारी सहायता करेगा। भैया, ये गदा प्रतियोगिता तो आपके और मेरे बीच में है, इसमें मारुति को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? उस मरकट को बीच में तुम ला रहे हो सुग्रीव, मुझे उत्तेजित करने के लिए, ताकि मैं स्पर्धा हार जाऊं। किंतु ऐसा संभव है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो मुझ महानतम वाली को हरा सके, और ना ही कोई होगा। स्मरण रखना, मरकट के आने के बाद तुम बदल गए हो सुग्रीव। आज से पहले तुमने मेरा कहना कभी नहीं टाला था, मुझ पर कभी अविश्वास नहीं किया था, पर आज पहले जैसी बात नहीं रही। मैं बदला नहीं हूं भैया, मैंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, और आज भी नहीं। उस मासूम बालक से बैर आपको शोभा नहीं देता भैया, वो तो केवल एक बालक है। मासूम बालक है, यही कहा है ना तुमने? हाँ। उस मासूम को याद कर आपका मुझ पर गदा प्रहार और क्यों बढ़ जाता है भैया, कि आपके मन में उसके लिए इतना बैर है? क्योंकि तुझे उस मरकट की अधिक याद आती है। आया नहीं वो तुझे बचाने? अपनी आंखों से असत्य की पट्टी हटाइए, तभी मारुति का सत्य आपके सामने आ सकेगा। रुको भैया रुको, इसीलिए आप इस प्रतियोगिता को युद्ध समझ बैठे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? उठो सुग्रीव, उठो सुग्रीव, उठो सुग्रीव। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, किंतु मुझ पर संदेह कर करके तुम मुझे बार बार क्रोध दिला रहे हो। सुग्रीव, मेरे छोटे भाई, मैं ये सब अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपने परिवार और किष्किंधा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी है कि ये मायावी मरकट हम सबके नाश का कारण बनेगा। आपकी बातें सुनता हूं तो भैया बिल्कुल भी असत्य प्रतीत नहीं होती, किंतु जब बालक मारुति को देखता हूं तो मुझे वो माया भी नहीं लगता। मुझे नहीं लगता
कि वो हमारे नाश का कारण बनेगा।